Welcome back. This is fifth lecture of history chapter, print culture and the modern world. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा the reading mania. तो फिर आइए, let's start the topic. Guys, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा था. इसका रीजन था कि अब जो चर्चेस थी उन्होंने विलेजेस में अपने स्कूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. ये जो स्कूल्स थे ये रिच क्लास के लिए नहीं थे, ये स्कूल्स पीजेंट्स और वर्किंग क्लास वाले लोगों के लिए थे, जिसकी वजह से 18th सेंचुरी की एंड तक यूरोप में जो लिटरेसी रेट था वो 60-80% तक अब राइज हो चुका था. तो गाइस, इससे हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बुक्स को लाइक करने लगे थे, बुक्स को पढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगी थी. टीचर, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए जो बुक सेलर्स थे वो क्या करते थे? वेरी गुड क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बुक सेलर्स थे उन्होंने अब सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया था. वो अलग अलग विलेजेस में जाते थे और डोर टू डोर बुक्स सेल करते थे. गाइस, ये वही टाइम था जब इंग्लैंड में चैप बुक्स इंट्रोड्यूस हुई. चैप बुक्स बहुत छोटी छोटी बुक्स को कहा जाता था जो बहुत चीपली अवेलेबल होती थी. उनको हम पेनी चैप बुक्स भी कहते थे क्योंकि वो बहुत कम पैसों में अवेलेबल थी, उनको हर कोई अफोर्ड कर सकता था. और यही रीजन था कि प्रिंट कल्चर धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा. और यही टाइम था जब न्यूज़पेपर्स में ट्रेड और वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आने लगी थी. सर, क्या इस डेवलपमेंट से साइंटिस्ट का कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल, साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन ने भी अब अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करवाना स्टार्ट कर दिया था. उस टाइम कुछ थिंकर्स भी होते थे जैसे कि थॉमस पेन, उन्होंने प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी. गाइस, जैसे जैसे लोग लिटरेट हो रहे थे उन्होंने टिरनी, मतलब कि जो उस टाइम क्रूअल रूलर्स थे उनके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, लुई सेबास्टियन मर्सियर ने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस वो सबसे पावरफुल मशीन है जिससे क्रूअल रूलर्स को हटाया जाएगा और उनका नेशन प्रोग्रेस करेगा. उनकी एक और फ्रेज थी जो बहुत फेमस हुई, क्या आप बता सकते हैं वो क्या थी? यस सर, आई रिमेम्बर, इट वॉज ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर. आई एम इम्प्रेस्ड. तो गाइस, क्या आप इस फ्रेज का मतलब जानते हैं? इस फ्रेज का मतलब है कि जितने भी क्रूअल रूलर्स हैं, यानी कि जितने भी टिरनी हैं, उनका एंड हो जाएगा जब राइटर्स उनके खिलाफ राइज होंगे. और गाइस, यही फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस हुई. क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंट कल्चर की वजह से स्टार्ट हुआ था? तो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द 19th सेंचुरी. Please like, share and subscribe to PU Stack. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and all the best.